मैं कमेंट मैडम आइए ना मिस्टर सर्जन। मैडम ये अधूरी आईटी के ऐड के आइडिया की फाइल है, पढ़ लीजिएगा। क्या हो गया आपको मिस्टर सर्जन? जब देखो आप बस काम की बातें करते रहते हैं, आपको कुछ और कहने का मन नहीं करता? कुछ और से मतलब मैडम? कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैम आप कॉफी पियेंगे? वो मैं कैसे पूछ सकता हूँ मैडम, वो तो छेदी का डिपार्टमेंट है ना, प्यून वो है ऑफिस का। वैसे नहीं बट गॉड कैसे समझाऊं। मिस्टर साजन आपकी शामें कैसे बिताते हैं? कुछ खास नहीं मैडम, बस यहाँ से घर जाकर कुछ बातें बातें, कभी कभार दोस्तों के साथ पीने पाने का इंतजाम हो जाता है बस। और मैंने देखा है आप काफी रेगुलरली पीते हैं। नहीं नहीं रेगुलर नहीं मैडम, वंस इन अ ब्लू मून, ये जूस वूस रोज हो जाता है। आपका कभी चुन होने का मन नहीं करता? मैडम आपके इस सवाल के जवाब के पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। श्योर। ये ऑफर था या सवाल? ऑफर, ऑफ कोर्स एन ऑफर, क्यों ना आज पिया जाए। श्योर मैडम, मैं अभी छेदी को चना रोस्ट लाने के लिए बोलता हूँ। ये मेरा ऑफिस है मिस्टर साजन, इसे पन्ना बाई का कोठा मत बनाइए। सॉरी मैडम, मुझे लगा कि आप अपने आप को लगवाते बहुत हैं। मैं पूछ रही थी कि कहीं बाहर जाके पीते हैं। श्योर मैडम, खूब जमेगी जब एक दीवाना और बॉस साथ साथ बैठेंगे। तो कहाँ चले? 3-4 ठेके पता है मुझे, कहीं भी चल देंगे। मिस्टर साजन मैं आपको क्या ठेके पे जाने वाली टाइप्स लगी क्या? मेरा ना आज बहुत नाचने का मन कर रहा है। वैसे आपका नाचने का मन क्या, तो आप कहाँ जाते हैं? हमारा क्या है मैडम, ऑफिस से निकलते हैं, अगर कोई बारात दिख जाती है तो उसमें हो लेते हैं और बस। नहीं, हम किसी लाउंज में जाएंगे। वैसे आपको नाचना आता है? हाँ बिल्कुल। तो नाच के दिखाइए, तो ऐसा ना हो कि वहां पे जाके आप अपना मन बदल ले। Come on, show me your moves, Mr. Sergeant. Mr. Sergeant, खुल के नाचिए, open up. Mr. Sergeant, मैंने कहा खुल के नाचिए, खोल के नहीं। Sorry, man. Sorry. आपका तो मूड ही नहीं बन रहा है, रुकिए मैं आपके लिए गाना प्ले करती हूँ, आपका मूड बन जाएगा। There you go. Sorry, sorry, sir, sorry, sir, sorry. अभी से sorry क्यों? अभी तो भैंसा डांस, ऊंट डांस, बहुत सारे डांस बाकी हैं। वो सब नहीं आते सर। तो फिर नागिन क्यों आए आप, वो भी ऑफिस में? Just chill. हम एड की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर साजन आप ठीक ठाक डांस कर लेते हैं, बस क्लाइंट्स के सामने आपका नागिन डांस थोड़ा कंट्रोल में रखिए, he'll get scared. पापा हम बाहर जा रहे हैं, आज मीटिंग बाहर अरेंज की है हमने, so I'll see you soon. Take care बेटा। चलिए। हाँ। चेहरे पे तो ऐसे मुस्कुराहट थी जैसे इसके बगीचे में तेल का कुआं निकल आया हो, बहुत खुश नजर आ रहा था। में से कोई भी एक कार्ड निकालो। वाओ, ब्यूटीफुल, आप बहुत लकी हो। ओ कैसे? आपकी जिंदगी में आपके सपनों का राजकुमार आ चुका है और बहुत जल्द आपकी पकड़ में, मेरा मतलब है आपकी पहचान में आ जाएगा। Really? Okay, और मैं उसे पहचानूंगी कैसे? बहुत आसान है,
वो जैसे आपके करीब आएगा कुछ बहुत रोमांटिक होने लगेगा। रोमांटिक मतलब? रोमांटिक मतलब जैसे आपके जेब में पड़ा हुआ रुमाल सांप बन जाएगा, या फिर आप रास्ते में चलते चलते अचानक गटर में गिर जाएंगे, इसे कहते हैं रोमांटिक। नहीं, रोमांटिक का मतलब मैं जानती हूँ, रोमांटिक क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके आने से फूल गिरेंगे, या फिर बारिश होगी, या फिर मोहब्बत के गाने बजने लगेंगे। ओके टेल मी, वो हैंडसम होगा? बहुत हैंडसम होगा। वाओ। और सबसे बड़ी बात तो वो आपको कल ही मिलेगा। कल? व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट में। व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट है मेरे पास। पूरा दरवाजा खोल के रखा है, लगता है सो गए। आप लोग सोए नहीं? जीजा सो जाते तो तुझे पकड़ते कैसे? पकड़ते मतलब? मैं कोई चोर हूँ क्या जिसको पकड़ा जाता है? नहीं हूँ, लेकिन हरकतें तो तुम्हारी चोरों की तरह ही है। रात के 1 बजे घर में चोरों की तरह क्यों घुस रहे हो? हाँ, ये झूठ है कश्मीरा, अभी 1 नहीं बजे हैं, देखो अभी 1 बजने में 1.5 मिनट बाकी है। अरे भूपेश, कह दे रहे इससे कि 1 चक्कर बाहर का लगा के आ जाए तो ये कसर भी पूरी हो जाएगी। कहाँ थे तुम? ऑफिस। अरे वो जीजा, झूठे काम का है तू, मैं ऑफिस के 2 चक्कर लगा के आ रहा। अपने नहीं, खिलौने के। खिलौने भैया अभी गए हैं यहाँ से। अच्छा तो यार फिर कश्मीरा, तुम तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुन रही हो यार। मैं जब बोलने तो दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं खिलौनी के ऑफिस गया था तो खिलौनी वहाँ पे नहीं था, तो फिर मैं वहाँ से अपने एक दोस्त के ऑफिस चला गया, दूसरे दोस्त के। कौन सा दोस्त, कौन सा ऑफिस बताओ मुझे। जीजी, जीजा को सोच लें दे, नाम और ऑफिस। जीजा तू बिल्कुल चिंता मत ना करे, कल सुबह होते ही ना मैं तेरे दोस्त के ऑफिस पहुँच जाऊँगा, और बता क्या करूँ। राहुल, राहुल के ऑफिस में गया था मैं कश्मीरा, मेरा एक दोस्त है पुराना, NRI है वो, और वो ना आज रात को ही अपना ऑफिस बेच के दुबई चला गया। ए कश्मीरा, कह दे रहे मेरे प्यारे दामाद से कि बंदे में कुछ हो ना हो, झूठ बोलने की अदा क्या खूब है नवाब साहब। यार आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कश्मीरा तुम दादी आली, दादी दादी आली, दादी हो दादी। जा, आज तुम्हें बच गा, दादी हर बार थारी वजह से आवे है और मन ने कूट के चली जावे है। तू अपनी हरकतें सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा? अरे मम्मी मत ना करे ना। ठीक जा, सुधर जा तू, मैं अच्छी कह रहा हूं तेरे से।
अरे मम्मी मत ना करे ना, दिमाग खराब कर रही। मम्मी थारे हाथ तो यहां से, फिर मारे पीछे किसका हाथ से? दादी, दादी, अरे दादी, अरे ये जुलम मत ना करे, तूने इतने जुलम करे मेरे ऊपर, ऐसा मत ना करे दादी, तन्ने पाप चढ़ेगा, तन्ने पाप चढ़ेगा दादी। ये सासू माँ ने क्या किया? लगता है मर गया। लकड़ी की काठी का ठीपे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जुमाना थोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। दादी ने तैयार करके स्कूल भेज दिया। शर्ट ब्लू पैंट। हाँ यार, हाँ अलमारी बिगाड़ी ना, अब सुधारोगे भी तुम्ही? तो फिर ये बात तो कश्मीरा फिर अपने लिए भी बोलो तुम, कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा है तो अब सुधारूंगा भी मैं ही। मैं कौन से एंगल से बिगड़ी हुई हूँ? कोई भी एंगल उठा लो, सब डिफेक्ट। सही है संजू, शादी के शुरू शुरू में तो बीवी परी दिखती है और शादी के कुछ ही साल बाद पराई, है ना? यार सुबह सुबह तो सिर मत खाओ यार, कम से कम बीवी हो तुम्हारी, कोई क्लाइंट नहीं कि तुम्हारा सर खाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़े। कश्मीरा हर बात पे जवाब देना जरूरी है क्या? पति के सामने चुप रहना चाहिए। मेरी वो व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट का कॉम्बिनेशन था वो कहे। संजू इतने सारे कपड़े पड़े हैं सामने, आधे शहर की इज्जत बचा सकते हो तुम, पहन लो ना कुछ भी। क्यों कुछ भी पहन लो यार, मुझे वही व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट ही पहननी है, वो मुझ पे अच्छी लगती है। क्यों, मैंने जो रेड कलर का शर्ट दिया था बर्थडे पे वो अच्छी नहीं लगती? लगती है तो बस पहन लो। अरे यार क्यों पहन लो जब मुझे नहीं पहनना, मुझे वो व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट ही पहनना है, वो जरूरी है वो। क्यों? क्योंकि मुझे जहन्नुम में जाना है और वहाँ का ड्रेस कोड है कि वही पहन के आओ। हाँ तो तुम्हें वहाँ का ड्रेस कोड पता होगा, मैं वहाँ नहीं गई। कश्मीरा मुझे मेरी व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट मिलेगी? नहीं, ड्राई क्लीनिंग में गई है। जमा देना संजू प्लीज। हाँ मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी। क्या क्या मिला बेवफा। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। कल बहुत अच्छा लगा रात को। वो टैरो कार्ड में क्या कहा आपको? इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस मिस्टर सर्जन। वैसे मैडम ये सब चीजें इतनी भरोसेमंद नहीं होती है। बताइए छेदी भी वहां विद अरे लिफ्ट रोक जीजा। वो आपको कल ही मिलेगा, व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पे।
व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट